हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि कुछ मैच भी हो गए। तो आज हम बात करते हैं टूर्नामेंट के 11वें मैच की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इन दोनों के मैदान में जब जब टक्कर होती है तो जो माहौल होता है काफ़ी रोमांचक हो जाता है। तो यह मैच आपको 30 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी कन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनको वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 75% रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 43% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका भी स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का भी स्कोर 148 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का भी स्कोर 138 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें, जहाँ पे दोनों के बीच में अभी तक 3 मैच खेले गए, जिसमें से पंजाब 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे लखनऊ 2 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अपने पहले गेम में टीम ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया, लेकिन फिर अगले गेम में वो आरसीबी से हार गए। टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो एंड शिखर धवन ने स्टार्ट किया था, धवन ने लास्ट गेम में 45 रन बनाए थे। वहीं अगर नंबर 3 पे बात करेंगे, जो कि प्रभ सिमरन सिंह ने 25 रन बनाए थे। वहीं नंबर 4 पे लाइम लिविंग स्टोन खेल रहे हैं। सैम करन को नंबर 5 पे भेजा गया, तो वो 2 मैच में 86 रन बना के टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। जहाँ पर जितेश शर्मा ने लास्ट गेम में 27 रन बनाए थे, वहीं पर सिकंदर राजा रिलीजोसो को अब तक प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो टीम लास्ट गेम में चूक गई और टारगेट नहीं बचा पाई, जहाँ पे कशिको रवाड़ अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने अब तक 3 विकेट लिए हैं। वहीं इंडियन पेसर अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल दोनों ने काफ़ी रन भी लुटाए हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे राहुल चौहान और हरप्रीत बराज जो 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे शिखर धवन है, जॉनी ब्रेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह है, जितेश शर्मा है, लाइम लिविंग स्टोन है, सैम करन है, हर्षल पटेल है, राहुल चौहान है, हरप्रीत बराज है, हर्षदीप सिंह है, कशिको रवाड़ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सैम करन, शिखर धवन और कशिको रवाड़। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट हुआ, टीम पहले ही मैच में राजस्थान से हार गई। इस हार में टीम को कॉन्फिडेंस काफ़ी लो दिख रहा है। टीम अब अपने घरेलू मैदान पर मैच खेलना है। टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे डीकॉक और राहुल ने करेंगे, जहाँ पे डीकॉक फ्लॉप चल रहे हैं, जबकि राहुल ने 58 रन बनाए हुए थे। वहीं नंबर 3 पर जहाँ पे देवदत्त पटेकर जो 0 पर आउट हो गए थे। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा टीम के लिए स्ट्राइक रोटेट तेजी से रन भी बनाएंगे। वहीं पे लोअर बैटिंग ऑर्डर में जहाँ पे मार्कस स्टोनिस फ्लॉप चल रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज के निकोलस पुर ने सबसे 64 रन बनाए थे, वो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है और नवीन उल्लक ने सबसे 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे मोहसिन खान ने 1 विकेट लिया था। स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई टीम के लिए एक्स फैक्टर है, जहाँ पे यश ठाकुर बहुत महंगे बॉलिंग कर रहे थे। वहीं पर डेविड विलो को इस मैच में प्लेइंग 11 शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन डीकॉक है, केएल राहुल है, देवदत्त पटिकल है, निकोलस पुरन है, दीपक हुड्डा है, मार्कस स्टोनिस है, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लक है, यश ठाकुर, मोहसिन खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया, जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, नवीन उल्लक है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स होगा, यहाँ पे पंजाब को हार मिल सकते। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।